अगर आपको भी जन्म कुंडली श्री विद्याय नमः हर हर महादेव। तो आज की वीडियो के अंदर हम भौम मंगल कुज दोष, ये तीन शब्द हैं परंतु अर्थ एक ही है, मंगल दोष, भौम दोष अथवा कुज दोष, जिसके बारे में प्रचलित है कि जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल दोष हो उसको वैवाहिक जीवन में समस्याएं फेस करनी पड़ती है। इसको विस्तार से जानेंगे और जानेंगे आज की वीडियो के अंदर इसका लक्षण और इसके कारण कि किन कारणों से कुज दोष का निर्माण कुंडली के अंदर होता है, और अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप कौन कौन से लक्षणों को देख करके, मात्र लक्षणों से ही आप पहचान सकते हो कि आपके जीवन में कुज दोष का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। तो चलिए मित्रों जानते हैं इस भौम दोष के रहस्य को और शुरू करते हैं आज ये वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। यदि आप मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं तो वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर अथवा डिस्क्रिप्शन में मुझसे बात करने के लिए पूरी डिटेल्स हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कारण और कैसे लक्षण भौम दोष के होते हैं। देखिए मित्रों, कुज दोष अथवा मांगलिक दोष को समझने का बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर कुंडली आपकी है और कुंडली के अंदर मंगल, अगर ये कुंडली के अंदर 12 खाने होते हैं जिनको 12 भाव हम बोलते हैं, 12 भावों में से मंगल कुछ विशिष्ट भाव, कुछ विशेष ऐसे भाव है, अगर उन्हीं भाव पर हो तभी जाकर मांगलिक होता है अथवा मांगलिक नहीं होता। अब देखिए, सपोज कीजिए आपकी लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली अथवा चंद्र कुंडली दोनों ही कुंडलियों से मांगलिक दोष देखा जाता है, परंतु एग्जाम्पल के तौर पर इसी को लग्न मान लीजिए, इसी को चंद्र कुंडली मान लीजिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल इन विशेष भाव पर है, कौन कौन से भाव पर, प्रथम भाव पर, चतुर्थ भाव पर, सप्तम पर, अष्टम पर और द्वादश भाव पर, कहीं कहीं जाकर कहीं कहीं जो ज्योतिषी हैं वो द्वितीय भाव को भी सजेस्ट कर देते हैं, परंतु जो ज़्यादातर प्रचलित है वह यही भाव हैं जिन भावों पर अगर मंगल बैठ जाए तो ऐसे जातक की कुंडली मांगलिक होती है। अब आप कैसे पहचान सकते हैं कि उन कुंडली पर आपके इन्हीं भावों पर मंगल है, तो आपको क्या करना है, अपनी कुंडली रख लेनी है और एक सेकेंड उस पर जितनी भी संख्या है उन सब संख्याओं को आपको भूल जाना है और केवल आपको खानों पर ध्यान देना है। ये इसको आप इस प्रकार से ले सकते हैं, पूर्व का खाना है, पश्चिम का, ये उत्तर का या दक्षिण का, ये हमारे केंद्र हो गए। इसी तरह से पूर्व वाला जो खाना होगा आपकी कुंडली का, इसको आपको नंबर वन यानी कि प्रथम भाव मान करके चलना है और यहीं से भावों की शुरुआत करनी है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, हमने लिख भी रखा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, ये 12 भाव में से हमारा प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन्हीं भावों पर अगर मंगल बैठा है, जैसे कि यहाँ हमने सर्कल में मंगल को रिप्रेजेंट कर रखा है, अगर आपकी कुंडली के अंदर भी इन्हीं भाव पर मंगल बैठा हुआ है तो ऐसी जो कुंडली है वो मांगलिक कुंडली कही जाती है। अब यहाँ पर विशेष प्रभाव हो जाता है, एक चीज देखी जाती है कि इन्हीं भावों पर मंगल जो है मांगलिक दोष क्यों बना रहा होता है। अब देखिए, प्रथम भाव है व्यक्ति के जो है स्वामित्व का, व्यक्ति के व्यक्तित्व का, अगर प्रथम भाव पर मंगल का प्रभाव होता है तो मंगल है व्यक्ति को वैराग्य की तरफ थोड़ा सा ले जाता है। प्रथम भाव पर मंगल का प्रभाव हो तो व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न करता है, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल को विवाह विवाह से जो है कोई मतलब नहीं होता, मंगल जो है वो एक क्रूर ग्रहों की संख्या में भी आता है और मंगल सेनापति, यानी कि मंगल को क्या पसंद है, मार धाड़ लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें, मंगल एक बहुत ही क्रूर बहुत ही जो सेनापति को जो है बताया गया है मंगल को। इसी प्रकार से अगर चतुर्थ भाव पर मंगल का प्रभाव हो तो मंगल यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाओं में कमी कर देता है। मंगल अगर सप्तम भाव पर हो तो सप्तम भाव पर मंगल बैठ करके दाम्पत्य जीवन में अनबन यानी कि पति पत्नी के बीच में कलह का कारण बनता है। अष्टम भाव पर मंगल हो तो व्यक्ति की आयु ह्रास करवा देता है। वहीं अगर द्वादश भाव पर मंगल हो तो व्यक्ति के साथ में संकट उत्पन्न करता है। तो ये बहुत अलग अलग तरह के प्रभाव होते हैं जिनके द्वारा पता लगता है कि व्यक्ति की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है, इसलिए इन्हीं भावों में मंगल जो है वो अपना विशेष फल देता है जिसके कारण से मांगलिक दोष उत्पन्न होता है। अब देखिए, जो किसी भी वैवाहिक जीवन को देखने के लिए हमें स्वास्थ्य देखना पड़ेगा, भौतिक संपदा देखनी पड़ेगी, दाम्पत्य सुख देखना पड़ेगा, अनिष्ट का प्रभाव देखना पड़ेगा, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति देखनी पड़ेगी और इन्हीं पांचों चीजों को देखने के बाद में पता लगता है। और इन्हीं पांचों स्थानों पर अगर मंगल का प्रभाव हो तो यही पांचों चीजें मंगल खराब कर देता है, इसलिए ऐसी कुंडली जो है वो मांगलिक कुंडली कही जाती है। अब देखिए, जो हमारा संपत्ति को लेकर के वाद विवाद उत्पन्न होना, व्यक्ति को रक्त से जुड़ी बीमारियां होना, हम आपको लक्षण बता रहे हैं। अब हमने पहले आपको ये दिखा दिया कि किस कारण बता दिए, हम आपको कुछ लक्षण बता रहे हैं। अगर संपत्ति को लेकर के आपके साथ में वाद विवाद जो है वह उत्पन्न हो रहा है, व्यक्ति को किसी भी जातक को रक्त से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो रही है,
अगर किसी भी प्रकार के मुकदमे में लड़ाई झगड़े में आप फंस रहे हैं, अगर आपका आत्मविश्वास बहुत कम हो गया है, साहस का जो है अत्यधिक आपका कमजोर पड़ रहा है और हिंसक स्वभाव व्यक्ति का जो है उसके ऊपर हावी होता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति पर जो है मांगलिक दोष के ये सिम्टम समझने चाहिए, लक्षण समझने चाहिए। अगर कर्ज की स्थिति आप पर उत्पन्न हो गई है तो कर्ज की स्थिति भी एक कारण है कि मंगल आपका कहीं ना कहीं मांगलिक दोष का आपके निर्माण है। वैवाहिक जीवन में बहुत कड़वाहट आ गई है, वैवाहिक जीवन कलह पूर्ण हो गया है, स्थिति ये आ गई है कि आपका और आपके पार्टनर का तलाक तक की नौबत आ रही है, तो यहाँ पर यह समझना चाहिए कि कुछ दोष या मंगल दोष कुंडली के अंदर प्रभाव दे रहा है। अगर भाई से आपका वैर उत्पन्न हो गया और हमेशा भाई से वाद विवाद लड़ाई झगड़ा रहता है, तो ये भी एक जो है एक सिम्टम है, एक लक्षण है कि हाँ आप पर जो है ये भौम दोष अपना प्रभाव दे रहा है। अब इसकी बात करते हैं उपाय की। छोटा सा आपको उपाय हम बता सकते हैं कि उपाय को क्या करना चाहिए। मंगल दोष की निवृत्ति के लिए जातक को जो है तीन मुखी रुद्राक्ष माला जो है अवश्य बनवा करके गले में धारण करनी चाहिए। इस माला से उसे निरंतर मंगल बीज मंत्र का जाप करते हुए माला से भी उसको प्रभाव मिलता है और मंगल के बीज मंत्र के जाप के प्रभाव से उसकी माला भी जो है एक्टिवेट रहती है, जिसके कारण से मंगल का जो है किसी प्रकार का दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर नहीं पड़ता। तो मित्रों ये मैंने आपको जानकारी दी कि किस प्रकार से मंगल दोष उत्पन्न होता है कुंडली के अंदर, उसके क्या क्या कारण है और एवं उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्याए।